वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला जो बैच है वो बुक्ड हो चुका है, ओवरबुक्ड है। अब हमारा जो 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहली बात है कि हमारे पास आज एक है Xiaomi का M2 मॉडल, और इस फोन के अंदर प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने डेड सेक्शन जो भी अपलोड किया था वीडियोस, उसमें क्वालकॉम चिपसेट था, और आज जो मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूँ इसके अंदर मीडियाटेक प्लेटफॉर्म का चिपसेट है। तो इसके अंदर जो पावर आईसी लगी है 6358, ये लेटेस्ट मॉडल की पावर आईसी है। तो आज जो ये डेड हमारे पास फोन है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि एक डेड फोन को स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना है, और जो मीडियाटेक चिपसेट होता है उसका बूट सीक्वेंस क्या होता है, डेड को किस तरीके से उसको डायग्नोसिस करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा, और जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे वीडियोस से अगर कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ नॉलेज आपकी अपग्रेड होती है, तो जरूर मैसेज करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो अक्टूबर बैच था ये फिनिश हुआ है, और अक्टूबर बैच के एक स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हैं, तो रिव्यूज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि बैठे थे तो थोड़ा सा बात करें कि हमने इस मंथ में क्या सीखा और क्या रिज़ल्ट है। तो मैं आपको इनसे बात कराता हूँ। आप अपना नाम बताइए और एक्सपीरियंस। मेरा नाम अदनान खान हो गया, मैं बिहार दरभंगा से हूँ, और यहाँ मैंने जो सोच कर आया था कि मुझे सिस्टमेटिक का नॉलेज चाहिए, थ्योरिकल नॉलेज चाहिए, वो 100% मुझे मिला है। प्रैक्टिकली तो अब मेरे हैंड स्किल के ऊपर है, मैं जाऊँगा करूँगा। ऐसे मैं इस लाइन में बहुत लंबे टाइम से, मैं लगभग 16-17 साल से हूँ, लेकिन मैं लगभग काम करता था हार्डवेयर में, लेकिन सिस्टमेटिक में ही आके फंस जाता था। तो अब सिस्टमेटिक का नॉलेज मिल गया, मुझे उम्मीद है कि मैं सारे काम करूँगा। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो यहाँ एकदम फ्रेंडली सर हैं, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर कोई, लेकिन है क्या कि एक होता है कि रिज़र्व रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, लेकिन सब कुछ अपनी जगह है। सर एकदम फ्रेंडली रहते हैं, एकदम फ्रेंड की तरह, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ रह करके। और एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने यूट्यूब पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देखे, बहुत सारे देखे थे, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम डबल डेकर की बात करते हैं, तो क्या आपको लाइव डबल डेकर करके दिखाया हमने? लाइव करके भी देखा गया, क्लास में सिखाया भी गया लाइव, दूसरे स्टूडेंट का फ़ोन था वो भी लाइव करके दिखाया गया, और मेरे पास खुद भी था एक हैंगन लोगो में, तो वो भी मैंने करवाया, वो भी आधे घंटे के अंदर वो बन के मुझे मिला। इसके अलावा अभी हम बैठे थे तो एक वन प्लस 7T भी इन्हीं के सामने रिपेयर हुआ, जैसे उसमें रैम और सीपीयू रिवॉल्व होना था। तो मेरे बस कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को भी एक्चुअल लाइव सेशन सीखना हो किसी को भी, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है। बाकी आप जहाँ से दरभंगा बिहार से हो, तो वहाँ के स्टूडेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी को डीपली सिस्टमेटिक का नॉलेज चाहिए तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि वो सेलफोन सॉल्यूशन में आए। एक और वीडियो है आपके साथ, ये हरिबंधु गुप्ता जी हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि ये नेपाल से हैं, और नेपाल से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, इंडिया आने में डर लगता है, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने में डर लगता है कि वहाँ पे जाएंगे कैसा माहौल मिलेगा, इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं, या हो सकता है कि हम कहीं इंस्टीट्यूट में पैसा दे दें और वहाँ पर अच्छा एजुकेशन ना मिले। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में विज़िट करने के बाद नेपाल के स्टूडेंट थोड़ा सा घबराते हैं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने में, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को शूट करना चाहा, ताकि हरिबंधु जी अभी अभी हमारे यहाँ से कोर्स किए हैं,
इसी बैच में थे, तो ये कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं नेपाल से उनको कुछ कॉन्फिडेंस। धन्यवाद सर। जस्ते कि सरले भनिहाल्नु हो, मेरो नाम हरिबन्धु गुप्ता हो, म यहाँ आएँ। सुरु सुरुमा त डर लाग्यो जस्तो भएको थियो, तर यसो हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि केही डराउनु पर्दैन। यहाँले आफूले सोचेको कुरा यहाँ पाइन्छ। नलेज बेस्ड पढाइ हो, सिमेटिक बेस्ड पढाइ हो, जे भन्नुहुन्छ सरले त्यो पुरा हुन्छ। रेलवे स्टेसनमा आएर सरलाई फोन गऱ्यो भने सरले मान्छे पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ मान्छे आएर यहाँ इन्स्टिच्युटमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। मजाको पढाइ छ। अरू इन्स्टिच्युटमा जानु र यहाँ आउनु धेरै फरक हो। वास्तविक ज्ञान भनेको यहीँ पाइन्छ। बस्न नजिकै छ, बस्न सकिन्छ। खाना आफूले रोजेअनुसार यहाँ खाना पाइन्छ। मजाले यो इन्स्टिच्युटमा आउँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि त सबै इन्स्टिच्युट यस्तै हो भन्ने लाग्यो, तर जब पढाइ सुरु भयो एकदम छक्क परे। मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, म एकदम खुसी छु यहाँको पढाइबाट। कोही आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आउनुहोस्, ठगिने कुनै कुरै छैन, राम्रो इन्स्टिच्युट छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा नाम श्रीकांत कुमार साहू है। मैं एक्चुअली ओडिशा का रहने वाला हूँ। आउ यह कह चाहूँ जे मु ए लाइन रे बहुत पूर्व मु एंगेज अच्छी, किंतु मु जब भी मैंने ये लाइन के आसी थी से मु गोटे इंस्टिट्यूट मु कनेक्ट रही थी, किंतु से इंस्टिट्यूट मु जहाँ भी ट्रेनिंग देखु थी जे केमी ट्रेनिंग दौंस एबे जो मु आसी इठी मु ट्रेनिंग नापी मो पूरा डिफरेंस लगला कि जो जहाँ पढ़वार था जहाँ भी पढ़वार था मैंने गोटे मोबाइल टेक्नीशियन बनवापी प्रॉपर नॉलेज पूरा नॉलेज आपन को इठी मते मिलला बहुत मिलला जहाँकि मते बहुत खुशी लगला। कारण मोर से गोटे दुकान अच्छी, मोर गोटे सॉप अच्छी सीठी मो गाँव में, किंतु मुझे दुकान बंद करके आसवर कारण हो कि मु किसी स्कीमेटिक नॉलेज मत मोर दरकार था कि एक्चुअली मो जोकोसी फोन मो पाक आसूला रिपेयरिंग हाँपी मु खाली से चार्जिंग जैक माइक स्पीकर रिंगर या ही लगे पड़ी जदि तापर कि गोटे असुविधा होता मत आसुन तेणु से मु ये कोर्स करने चाहली। अब मुझे आसली इठिक भाविली मुते बाटर आसी दुकाना बंद करके आसी केते पैसा मोर लॉस हम से पैसार बेनिफिटा मुझे उठे पारि कि ना, कि मुझे ट्रेनिंग नेली प्रथम मुझे देख ली कारण मुझे लाइन में बहुत आगुरी कनेक्ट रही देख ली एक्चुअली ये केमी पाठ पढ़ाऊँ लेकिन तीन चार दिन गलापर मुझे फिल कली ना एक्चुअल जोटा आमको दरकार स्कीमेटिक नॉलेज कि आपणकर जोकोसी असुविधा होदि आप माइक खराब हो स्पीकर खराब जहाँ भी खराब जहाँ भी प्रोब्लम रो आमे गोटे चेंज कर दोचे चेंज कलापर यदि कम करूनी सप्लाई कौट आसूची केमी आसूची पूरा प्रॉपर डीपली नॉलेज ये इंस्टिट्यूट मत मिलला से बहुत खुशी कि एक्चुअली मो पैसा जो मुझे लगे आते बाट मुझे आसी से पैसार भरपूर फायदा मत मिलला। आम ओडिया भाई मान को यह कह चाहिए जदि आप लाइन में यही मोबाइल फिल्ड्रे कि फ्यूचर बनवाक चाहते तो निश्चित ये सेलफोन सल्यूसन जो इंस्टिट्यूट आपन आसतु आप निजे ही फील करेंगे कि हाँ ये इंस्टिट्यूट बहुत किसी ट्रेनिंग मिलूँ। आज मेरे पास है रेडमी का M2 मॉडल और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड का व्यू दिखाता हूँ कि इस बोर्ड में पहले से क्या कुछ किसी टेक्नीशियन ने काम किया है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये जो बोर्ड है इसके नेटवर्क सेक्शन की सील निकली हुई है और इधर देख सकते हैं इधर भी ये ऑडियो सेक्शन का भी सील निकला है लेकिन इधर पावर सेक्शन का कोई सील निकला नहीं है। और बोर्ड के पीछे देखा जाए तो ये 4GPA का सील निकला है, बाकी इधर कोई काम नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी डेट सेक्शन पे किसी ने कोई इस पर काम नहीं किया। तो सबसे पहले क्या कहता है प्रोसीजर, सबसे पहले अगर कोई भी फ़ोन आपके पास आता है डेड में तो हमारा पहला जो
कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे इसका ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रीडिंग कितनी है, तो आप देख सकते हैं एक तरफ से 462 की रीडिंग आ रही है, और फिर मल्टीमीटर को हम जब रिप्लेस करते हैं तो फिर देखते हैं कितनी रीडिंग है, तो ये देख सकते हैं 1.047 की रीडिंग है। तो इस तरीके से आपको तो पता ही है कि बैटरी कनेक्टर पे वन साइड अगर 300 टू 500 के आसपास रीडिंग आती है, और प्रोब को चेंज करने पे यदि 1000 प्लस या कोई वैल्यू नहीं आती है, तो इसे हम मानते हैं कि हमारा जो बीवेट लाइन है इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो फिलहाल देखने से लगता है कि हमारे बीवेट लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। फिर दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब आप इतना चेक कर लो तो फिर हम इसको डीसी पावर केबल से कनेक्ट करेंगे, और डीसी पावर केबल हमें बताएगी कि इसके अंदर एम्पियर का कंजप्शन कैसा है और कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो यहाँ पे हम डीसी पावर केबल लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी फ़ोन को डायग्नोसिस कीजिएगा। तो मैंने ये डीसी लगाया यहाँ पे, ठीक है। और डीसी पावर केबल लगाने के बाद सबसे पहले देखिए मैंने डीसी यहाँ पे लगा लिया है, और डीसी लगाने के बाद अगर आप ध्यान दें डीसी पावर सप्लाई पे, तो कोई भी ऑटो एम्पियर कंजप्शन नहीं है। ऊपर 3.8 वोल्ट है, नीचे 0.001 पहले भी था अभी भी है, मतलब यहाँ पे कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं है। इसका मतलब इसका प्राइमरी लाइन जो है बीपीएच लाइन, उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब मैं ऑन ऑफ को प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और ऑन ऑफ को प्रेस करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि फ़ोन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बार आप ऑन ऑफ को प्रेस करेंगे, तो मैं ऑन ऑफ को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं 44 से स्टार्ट हुआ एम्पियर कंजप्शन, और ये अप डाउन हो रहा है, देखिए 90-100 पे जाके अप डाउन हो रहा है, और जैसे मैं ऑन ऑफ को छोड़ूंगा वैसे ही रिलीज करने के बाद 0.001 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा, एक बार और देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो प्रेस करते ही हमारा 100 से स्टार्ट हुआ, और देखिए अप डाउन हो रही है रीडिंग, एम्पियर का कंजप्शन अप डाउन है, स्टेबल नहीं है और 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, और जैसे रिलीज किया देखिए 0 हो गया। दिस इज द फॉल्ट, है ना। तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि कभी भी मीडियाटेक के फोन्स में अगर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, मेरी बात ध्यान में रखिएगा, अगर इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है और सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो एक बार जरूर आप पीसी में लगा के इसका पोर्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मीडियाटेक का जब पीएस होल्ड बनता है तो कई बार क्या होता है कि तब भी एम्पियर कंजप्शन कुछ लेकर 0 हो जाता है। तो एक बार जरूर हम पीसी में इसका पोर्ट चेक करेंगे कि ये कोई पोर्ट तो नहीं बना रहा है। तो मैंने इसका पोर्ट चेक किया हुआ है, ये कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा है। अगर मीडियाटेक प्रीलोडर का पोर्ट बनाता तो फिर हम समझ सकते थे कि भाई इसका पीएस होल्ड यानी रीसेट बी पे 1.8 आ रहे होंगे, तो फिर हमारा डायग्नोसिस का जो वे है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल पीसी में भी इसका पोर्ट नहीं बन रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो इस तरीके का जब भी आपके पास फॉल्ट आए कि कुछ एम्पियर कंजप्शन लेके 0 हो जाना, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें पूरा इसका बूटिंग सीक्वेंस चेक करना होगा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि इसका पीएस होल्ड नहीं बन रहा होगा, और अगर पावर आईसी पीएस होल्ड वहाँ पे 1.8 नहीं मिलेगा तो फिर या तो सीपीयू से रिलेटेड फॉल्ट है या तो फिर आपकी पीएम से रिलेटेड फॉल्ट है। तो आइए आज के इस वीडियो में, आज से पहले मैंने मीडियाटेक का कोई भी बूट सीक्वेंस के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मीडियाटेक इसमें लगी है पीएम 6358 इसके बारे में पूरा डीप में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर किसी मीडियाटेक फ़ोन में 6358 पावर सप्लाई यूज़ हो रही है तो उसका बूट सीक्वेंस को हम कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे पता करेंगे कि फॉल्ट पावर आईसी से रिलेटेड है या फिर सीपीयू से रिलेटेड है।
इस तरीके से आपने देखा कि हमने जाली को निकाल लिया है, जो स्टील थी ऊपर से जो कवर था इसको मैंने निकाल लिया है, और देख सकते हैं आप अगर हम कवर को माइक्रोस्कोप एसएमडी के थ्रू सेफ्टी से अगर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कहीं भी सील जब निकलती है तो कोई भी कुछ भी डैमेज नहीं होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारी पावर आईसी है, मीडियाटेक चिपसेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो MT6358VW पावर आईसी लगी है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये MT3658VW पावर आईसी लगी है, मेन पावर सप्लाई है, और इसके चारों तरफ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बक कॉइल्स लगी हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ग्राफिक आईसी है, और इसके अलावा ये हमारा एलसीडी कनेक्टर हुआ, और ये बैटरी कनेक्टर हुआ, और इधर ये हमारी साउंड यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है साउंड का सर्किट है, साउंड सेक्शन, और यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन है, पहले से इस पर काम हो रखा है नेटवर्क सेक्शन पे, ठीक है। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हमारा मीडियाटेक का सीपीयू है, और इधर देखेंगे तो ये हमारी ईएमएमसी लगी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे मेन है, अभी हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि भाई ये ऑन नहीं हो रहा है, कुछ एमपीएल लेकर बैक हो रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आप इसका बीपीएच का एक बार जीआर चेक करो कितना आ रहा है, क्योंकि वैसे भी ये ऑटो एमपीयर तो ले नहीं रहा था, तो बीपीएच लाइन शॉर्ट होने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक बार मेजरमेंट करेंगे। तो जो वीपीएस सप्लाई जो बनती है वो यहाँ पे चार्ज आईसी लगी है, आप देख सकते हैं, और यहीं से वीपीएस जनरेट होती है। तो इस सील को काटने से अच्छा है कि मैं वीपीएच का जो ग्राउंड रेजिस्टेंस है मैं इस ग्राफिक आईसी पे भी चेक कर सकता हूँ कि ग्राफिक आईसी के पास ये जो क्वाइल लगी है बूस्ट क्वाइल, इस पर भी वीपीएस सप्लाई आती है, तो 300 के आसपास का जीआर होना चाहिए। तो मल्टीमीटर में हम इसको मल्टीमीटर को सबसे पहले करते हैं डायोड मोड पे और एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके पास इस कैपेसिटर पे चेक करते हैं तो 316, 15, 14, 13 का जी आर है, मतलब बीपीएच लाइन में कोई भी लीकेज का इशूज नहीं है। लेकिन यहाँ पे लीकेज होता तो जैसे ही हम डीसी पावर सप्लाई लगाते तो ऑटो एम्पीयर ले लेता, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार मेजर कर लेते हैं, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई भी फोन कुछ एम्पीयर लेकर बैक हो जाए ना, तो इसके लिए आपको ना सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, इससे आपको ये समझ में आता है कि भाई जब जैसे हम स्विच को ट्रिगर कर रहे हैं तो बहुत सारी एलडीओ बक वोल्टेजेस बनती है, हमारी क्लॉक्स बनती है और सीपीयू ऑन होता है, ठीक है। तो हम कुछ जब कोई भी ऑन ऑफ को जब प्रेस करेंगे कुछ एमपीयर लेके बैक होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बक वोल्टेजेस या एलडीओ वोल्टेजेस या किसी क्लॉक के मिस होने से हमारा जो सीपीयू है वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, पीएस होल्ड जनरेट नहीं कर रहा है, और पावर ऐसी हमारी शट डाउन हो जाती है। तो कहने का मतलब है ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये जो पावर आई सी है इसके ऊपर आसपास जो 9 क्वाइल्स हैं, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम बक सर्किट को डायग्नोसिस करेंगे कि मेरा जो बक सर्किट है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर आपने बक सर्किट को अगर अच्छे से स्टडी किया हो तो उसमें आपने पढ़ा था कि इसमें दो एलडीओ लाइंस होती हैं जिसको हम एमएलडी और एलएलडीओ के नाम से जानेंगे, है ना, जो 1.3 और 2.05 की वोल्टेजेस बनाती हैं। तो इन 9 क्वाइल्स में से दो एलडीओ वाली क्वाइल्स होंगी 1.3 और 2.05 की, जो वोल्टेज 1.3 और 2.5 बना के फिर से इसी पावर आईसी को देती है जिससे कि दूसरे एलडीओ जनरेट होते हैं। इसके अलावा ये वाली जो कॉइल है ये एलडीओ वाली कॉइल है, और इसके बाद अगर आप ये इस कॉइल की बात करते हैं तो एसवीएस रैम वाली कॉइल है, और यहाँ पे ये जो कॉइल है ये मॉडेम की वोल्टेज जनरेट करती है, और ये जो चार कॉइल आपको अलग अलग कलर की दिख रही है ना, ये मेन एपीसी की वोल्टेजेस कोर सप्लाई जनरेट करती है जो 0.6 से 1.2 के बीच में होती है सीपीयू के लिए, मेन कोर वोल्टेजेस यहीं पे चारों कॉइल पे प्रोड्यूस होती है। और ये जो आप कॉइल देख रहे हो ना ये वीपीए की कॉइल है, वीपीए ने होता है वोल्टेज फॉर पीए, जब हम सिम इंसर्ट करेंगे उसके बाद ये सप्लाई प्रोड्यूस होगी। और ये जो आप कॉइल देख रहे हो ना ये कॉइल एलडीओ की है जो 2.05 की वोल्टेजेस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन पूरे कॉइल्स का जीआर चेक करेंगे, मतलब हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये होने वाला है कि कहीं कोई बक वोल्टेज, कोई शॉर्ट तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, जिसके कारण हमारी जो पावर आईसी प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनाएगी और सीपीयू ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, डायोड मोड पे, और मल्टीमीटर की जो रेड वाली प्रोब है इसको ग्राउंड लगाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, कहीं भी ग्राउंड लगा लीजिए यहाँ पे, और एक बार इन पूरी कॉइल का जीआर मेजर करते हैं। कोई कॉइल 0.000 ओम के साथ बीप तो नहीं दे रही, तो देखिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका जीआर है 406, इसका 0.048, क्योंकि ये जो कॉइल है वीएस रेम की है तो इस पे लो जीआर हमेशा आता है, ठीक है। और ये यहाँ पे 0.357, तो ये भी ठीक है, मोनो वाली लाइन है, और 150 ठीक है, 313 ठीक है, 340 ये भी ठीक है, और 327 ये भी ठीक है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, इस पर भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, और इसको देखते हैं, इस पर भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो यहाँ पे देखने से तो ऐसा लगता है कि हमारा जो बक सर्किट है इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर किसी कॉइल पे 0.000 का जीआर आता है, ग्राउंड रेजिस्टेंस रीडिंग आती है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो लाइन शॉर्ट हो गई है, और ऐसे सिचुएशंस में आपका जो हमारी पावर ऐसी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करेगी, पर्टिकुलर वोल्टेज जो शॉर्ट होगी, तो हो सकता है आपका सीपीयू ऑन ना हो, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन इसमें नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई भी फोन में अगर बक जो सर्किट है उसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, बोर्ड, ये जो बोर्ड है इसको फिर से पैनल में फिट करेंगे, देखिए, ठीक है, ये पैनल में मैंने फिट किया, और पैनल में फिट करने के बाद मैं फिर से, बैटरी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, देखिए बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर और एलसीडी कनेक्टर को लगा लिया। एलसीडी कनेक्टर की भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि एलसीडी कनेक्टर नहीं लगाना तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्जर को यहाँ पे इन करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे चार्जर को इन करने से ही आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी फ़ोन में बैटरी को हटा के चार्जर इन करते हैं तो 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग आईसी के अंदर इन होती है और बीपीएच वोल्टेज जनरेट हो जाती है। आप सभी को पता होगा बीपीएच के बारे में, जो बीपीएच की वोल्टेज होती है जब जनरेट होती है तो ये पावर आईसी के अंदर जाती है और चार्जिंग आईसी पावर आईसी को इनिशियल ऑन कर देती है और हमारे बक वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम पूरे बक को चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे जितनी कॉइलें हमने देखी थी इस पे पूरी बक वोल्टेजेस बन रही हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि शॉर्टिंग तो है नहीं, तो एक बार बक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम मल्टीमीटर को फिर से डीसी बीस पे करेंगे और अब हम बक वोल्टेजेस को चेक करना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं चार्जर लगा हुआ है और हम बक वोल्टेजेस को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला ये वाला जो कॉइल है इस पे एलडीओ वोल्टेज बनेगा जो पावर आईसी से प्रोड्यूस होकर फिर से पावर आईसी में इन होगा और ये वोल्टेज 1.2 से ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, 1.3, तो पहली एलडीओ तो बन गई, लो लेवल का एलडीओ ये बन गया वोल्टेज। और दूसरा ये वाली जो आप कॉइल देख रहे हो ना, ये एसरेम की कॉइल है, तो इसकी जो वोल्टेज है 1.1 ये भी बन गई है, मतलब ये भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। और तीसरी ये जो कॉइल आप देख रहे हो ना, ये मॉडर्न वाली कॉइल है, ठीक है, तो इसकी वोल्टेज यहाँ पे 0.7-0.8 बन गई है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूँ कि जो क्वालकम के फोन्स होते हैं उसमें मॉडम की जो वोल्टेजेस होती हैं वो सिम को इंसर्ट करने के बाद बनती है, लेकिन इमीडिएट एक प्लेटफॉर्म है इसीलिए इसकी पहले बन चुकी है। उसके बाद ये जो चार कॉइल हैं ये मेन कोर वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, जैसे जीपीयू हुआ, एपीसी हुआ, ये इसके कोर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 0.8 ठीक है, 0.8 ये भी ठीक है, और ये 0.8 ये भी ठीक है, और यहाँ पे 0.8 ये भी ठीक है, ये चारों पर प्रोड्यूस हो रही है। अब इस पे आते हैं, तो ये जो है ये कॉइल हमारी है, ये बेसिकली बीपीए की वोल्टेज है, तो बीपीए की जो वोल्टेज होती है ना ये होती है तभी बनेगी जब सिम को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम वोल्टेज चेक करेंगे आप देखो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्किट ख़राब है, ये वोल्टेज तब बनती है जब हम सिम को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी ये जितने कोर वोल्टेज पहले ही बन जाती है। और ये जो है ये हाई लेवल एलडीओ है, यानी 2.05 वाली लाइन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.002 यानी ठीक है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पावर आईसी का जो पहला डिपार्टमेंट था, जो बक डिपार्टमेंट था, इसमें 1.3 और 2.05 भी बन गए और पूरी बक वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो गई। अब अगर किसी फोन का ये जो बक सेक्शन अगर ठीक ठाक लग रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशंस होंगी। एक तो ये होंगी कि हो सकता है कि कोई बक प्रोड्यूस ना होती है, या ये भी हो सकता है कि बक प्रोड्यूस हो रही हो, कुछ बन रही हो, कुछ ना बन रही हो, या बक फ्लैक्चुएट कर रही हो, काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं। तो अभी जो राइट नाउ हम जिस फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं, इस पर पूरी बक बन रही है, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, ऐसी सिचुएशन में अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि बक बनने के बाद इसमें बहुत सारी एनडीओ वोल्टेजेस बनती हैं, जो सीपीयू के बफर जोन के लिए ज़रूरी होती है, रैम के लिए ज़रूरी होती है, ईएमएमसी के लिए ज़रूरी होती है, कुछ बीडीडी मैक्स की वोल्टेज होती है, वो ज़रूरी होती है सेट को ऑन करने के लिए। इसके अलावा क्लॉक क्रिस्टल को ऑन करने के लिए वोल्टेजेस बनती है। तो काफ़ी सारी ऐसी वोल्टेजेस हैं जो बक को के बनने के बाद और भी जनरेट होती है, जो आपके पूरे सेट को ऑन करने में सहायक होती है। तो अगर बक वोल्टेज बन रही है, तो अब हम चलेंगे एनडीओ वोल्टेज की तरफ। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस फोन में बक बनने के बाद किन किन कैपेसिटर पे कौन कौन सी वोल्टेज जरूरी है सेट ऑन करने के लिए, है ना? तो इसके लिए आपको पास बूट सीक्वेंस होना जरूरी है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट है बूट सीक्वेंस होना जरूरी है। यदि आपके पास बूट सीक्वेंस है और बूट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट पता है, तो बिल्कुल आप एक एक लाइन को ट्रेस करके इजिली फोन को रिपेयर कर सकते हो। आप ढूंढ सकते हो कि फॉल्ट कहाँ है, पावर आईसी में काम करना है, सीपीयू में काम करना है, या फिर हमें ईएमएमसी या यूएसएस चिप पे काम करना है। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इतना करने के बाद अगर बक वोल्टेज बन जाए तो फिर क्या, इसके बाद हम चलते हैं सर्किट को ओपन करते हैं। तो देखिए, मैंने एक ना रेडमी 9 का सर्किट ओपन किया हुआ है, वॉल्यूम रेडमी 9 का स्केमेटिक और रेडमी 9 का लेआउट। एक्चुअली मैं ये जो फ़ोन को हम ट्रेस कर रहे हैं, ये Xiaomi का पोको M2 है, लेकिन इसका सर्किट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने रेडमी 9 का सर्किट ओपन किया हुआ है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मिलते जुलते हैं, सेम कॉन्फिग्रेशन है, चिप भी सेम लगी है। तो इसी में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये आती है कि देखिए, मेरे पास, आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक बूट सीक्वेंस है, ये है अगर आप देखोगे मीडिया टेक का, ये बूट सीक्वेंस है, और जो मीडिया टेक का जो बूट सीक्वेंस है, इसमें प्रॉपर एक एक वोल्टेज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पहले कौन सी वोल्टेज बनती है, दूसरी कौन सी वोल्टेज बनती है, तीसरी कौन सी वोल्टेज बनती है, पूरा बूट सीक्वेंस है। अगर आपको मीडियाटेक के बूट सीक्वेंस या क्वालकम के बूट सीक्वेंस के बारे में जानना है कि ये कैसे हम, जैसे कोई भी फ़ोन आता है तो कौन कौन सी मेन वोल्टेज, उसको चेक करके हम इसको किसी भी फ़ोन में कैसे डायग्नोसिस करेंगे डेड फोन में, तो आप हमारे कंप्लीट हार्डवेयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी फॉर दैट कि मैं इस बूट सीक्वेंस को डिस्प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, जिसको मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको पूरा ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर कोई मीडियाटेक का 6358 VW मॉडल चिपसेट का कोई भी फ़ोन आता है, तो आप उसको इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा वे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जितने भी मीडियाटेक फ़ोन होते हैं, इसके अंदर जब आप बैटरी को लगाते हो ना, जैसे आप बैटरी को लगाते हो फ़ोन के अंदर, तो इसमें 3 वोल्टेजेस पहले बन जाती है तुरंत। जैसे आपने बैटरी लगाया, तुरंत मीडियाटेक में 3 वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाती है। कौन कौन सी? पहली वोल्टेज ऑन ऑफ की पे, आप सबको पता है कि आप जैसी वोल्टेज बैटरी लगाते हो, तो सबसे पहले बीपीएच वोल्टेज बनती है और फिर ऑन ऑफ की पे वोल्टेजेस बन जाती है। उसके बाद एक ना VREF की वोल्टेज मीडियाटेक फोन में पहले ही बन जाती है, बिना फोन में चार्जर लगाए, बिना फोन को ऑन किए हुए, ठीक है। ये बूट सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। VREF वोल्टेज रिफरेंस वोल्टेज होती है, 1.2 वोल्ट के आसपास होती है, और ये वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरा एक VDIG की वोल्टेज होती है 1.8, ये भी बन जाती है, और तीसरा जो हमारा क्लॉक होता है, स्लीप क्लॉक RTC का, वो ऑन हो जाता है। ये 3 चीज़ें बिना फोन में चार्जर लगाए या बिना फोन के ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किए, सिर्फ बैटरी लगाते हैं, ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती है। अगर आपके फ़ोन में बैटरी लगाने के बाद, BPH बनने के बाद, अगर रेफरेंस वोल्टेज नहीं बनती है,
या DIV 1.8 नहीं बनती है या क्लॉक जनरेट नहीं होती है तो फिर आप पावर आईसी को रिप्लेस कर सकते हो, या पावर आईसी से रिलेटेड कोई फॉल्ट होता है क्योंकि इन लाइनों में कोई ना कोई नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये सर्किट खोल रखा है, यहाँ पे अगर स्केमेटिक में मैं यहाँ पे लिखता हूँ VREF, देखिए VREF ये रेफरेंस वोल्टेज होती है। इसको जब मैं सर्च करूँगा तो आप देखिए ये पावर आईसी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है वोल्टेज फॉर रेफरेंस का। यहाँ पे आप देखोगे ये रेफरेंस की जो वोल्टेज होती है इस कैप पे लगती है, देखो ये वाली कैप पे। अगर अनफॉर्चुनेटली ये कैप खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो वोल्टेज है शॉर्ट कर जाएगी और उस कंडीशन में आपका बूट सीक्वेंस मिस हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका फोन डेड मोड पे चला जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा बूट सीक्वेंस है इसमें जो रिफ्रेंस वोल्टेज बनने के बाद एक वोल्टेज DIV 1.8 बनता है, फिर RTC का क्लॉक जनरेट होती है, तीन चीज़ें बन जाती है। उसके बाद ये S2 वाली बक वोल्टेज, कोर वाली बक वोल्टेज, मोडेम वाली बक वोल्टेज, GPU वाली बक वोल्टेज और VSRAM वाली बक वोल्टेज, ये सब बनना शुरू होती है जो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। अगर हमारी बक पूरी बन रही है और तो ऊपर वाली जो मैंने बताया रेफरेंस वोल्टेज और DIG 1.8 और क्लॉक को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर बग बन रही है फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है तो अगर आपके पास बूट सीक्वेंस है तो पूरी वोल्टेज पता चल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास बूट सीक्वेंस नहीं है, बाय द वे आपके पास बूट सीक्वेंस नहीं है तो क्या करना चाहिए? मान लीजिए अगर आपके पास बूट सीक्वेंस नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप सर्किट में जाइए, ठीक है, और इसके अंदर एक वोल्टेज होती है VIO 1.8, आप उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये VIO 1.8 वोल्टेज जो होती है वोल्टेज इनपुट आउटपुट जो पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस होती है VIO 1.8, है ना। इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं क्या यहाँ पे VIO वोल्टेज हमारी बन रही है, तो एक बार हम चेक करते हैं। VIO लिख के आपको इंटर मारना है, तो यहाँ पे देखिए VIO 1.8 आ गई, पावर आईसी से बनती है और काफ़ी सारी सेक्शंस को जाती है। तो ये वोल्टेज आप देख सकते हो, ये इसके टिप पे कोई ना कोई कैप लगा होगा, जैसे यहाँ पे लगाया कैप C2118, तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करके और लेआउट में हम एक बार पेस्ट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कहाँ पे बनती है वोल्टेज। तो देखिए ये बनती है, ये हमारा जो जो हमारी यहाँ पे मेमोरी चिप लगी है इसके जस्ट ऊपर बनती है ये वोल्टेज, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे एक्चुअली में सील्ड है तो हम कहीं और भी चेक कर सकते हैं कि ये वोल्टेज और कहाँ जाती है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये वोल्टेज और भी कहाँ जाती होगी। तो ये हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं और कहाँ कहाँ जाती है ये वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जाती है, तो इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं, तो ये C2121, तो इसको कॉपी करके मैं लेआउट में जाकर पेस्ट करता हूँ, देखिए ये मिल गया। तो ये भी कैपेसिटर ये ऊपर ही लगा है, EMMC के यहाँ भी सील्ड है, तो हम और कोई कैपेसिटर, क्योंकि इसको चेक करने के लिए फिर सील्ड को आपको निकालना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि हम सील्ड को निकालें क्योंकि ये वोल्टेज बहुत जगह जाती है, तो हम और भी जगहों पे देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं और कहाँ कहाँ जाती है। देखिए यहाँ पे एक और एक्सटर्नल ड्राइवर लगा है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा हाँ यहाँ भी आती है। देखिए बैटरी कनेक्टर के पास एक पुल अप वोल्टेज है, ये हमारे ID पिन का पुल अप है, तो ये वाली जो वोल्टेज है हम इस रजिस्टर पे चेक कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर जो है R2907, तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कहाँ लगी है, ये यहाँ लगी, इस पे हम चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो कैपेसिटर रजिस्टर है हम देखते हैं कहाँ लगी, शायद ये वाली है, शायद ये वाली रजिस्टर है, ये वाली रजिस्टर है, ठीक है। इस पे आपके चार्जर लगाने के बाद 1.8 वोल्टेजेस प्रोड्यूस होने चाहिए। तो चलिए,
तो चार्जर लगा हुआ है और हम मल्टीमीटर को करते हैं डीसी 20 पे जो ऑलरेडी है, और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे 1.8 प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए एक पिल ग्राउंड और यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो आपने इस तरीके से देखा कि जो हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई ये मिसिंग है, VIO 1.8, और ये एक फॉल्ट है क्योंकि ये जो वोल्टेज है बूट सीक्वेंस का एक पार्ट है, और ये वोल्टेजेस हमारी नेटवर्क सेक्शन में बैट आईडी का पुल अप वोल्टेज होता है, डिस्प्ले कनेक्टर पे भी जाता है जिससे कि हमारा PWM जनरेट होता है, और ये EMMC का भी इनपुट है, और CPU के बफर जोन में भी ये वोल्टेजेस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर ये वोल्टेज नहीं जनरेट होगी तो इस कंडीशन में हमारे फ़ोन में जो है वो VIO 1.8 नहीं बनेगी और सेट ऑन नहीं होगा। तो वैसे तो एक फॉल्ट यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि आपने देखा था कि जब हमने यहाँ पे जो बक जब चेक किया था, तो देखिए बक जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये बक पूरी जनरेट हो रही है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बक तो पूरी जनरेट हो रही है, लेकिन जब मैंने LDO को जब चेक किया तो LDO वोल्टेज यहाँ पे फर्स्ट 1.8 मिसिंग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये देखिए यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे ये मिसिंग है, आप देख सकते हैं। अब ये वोल्टेज मिसिंग है, तो अभी हम डायग्नोसिस करेंगे कि ये क्यों मिसिंग है, पावर आईसी का फॉल्ट है या ये लाइन शॉर्ट है कि क्या क्या दिक्कत है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद अगर ये वोल्टेज अगर बन रही होती तो इसके बाद हम चेक कर सकते थे USB 3.0 की भी वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें सर्किट में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा USB, और यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ पे एक यहाँ पे एक वोल्टेज बनती है USB की 3.0 की जो LDO वोल्टेज होती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर आईसी से निकलने वाली USB PMU भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके टिप में कैप लगा है C1126, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए 2.8 से 3.3 के बीच में एक वोल्टेज बनती है, तो इसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि USB की वोल्टेज बन रही कि नहीं बन रही। तो आप देख सकते हैं ये लगी है हमारे LCD कनेक्टर के जस्ट ऊपर पहला वाला कैप। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपका है LCD कनेक्टर। तो LCD कनेक्टर को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि चार्जिंग कनेक्टर लगा होना चाहिए, LCD कनेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे अगर मैं इस वोल्टेज को चेक करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वोल्टेज बन रही कि नहीं बन रही। यहाँ पे 2.8 से 3.3 के आसपास बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये USB की भी वोल्टेज नहीं बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा एक और वोल्टेज आप चेक कर सकते हो VAUD की। ये जो वोल्टेज होती है, एक और ये वोल्टेज है बायस वोल्टेज है, उसको भी चेक कर सकते हो। फिर लास्ट में बनता है रीसेट बी। तो चूंकि ये डेट फोन है तो इसमें रीसेट भी बनने का कोई मतलब नहीं है, और जो रीसेट भी की जो वोल्टेज बनती है वो आपकी यहाँ पे बनती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये CPU है, इसके ऊपर EMMC के ऊपर एक TP है, यहाँ पे रीसेट भी की वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ये होती है 1.8 वोल्ट की सप्लाई। अगर ये वोल्टेज बन गई तो इसका मतलब है कि हमारी पावर आईसी सही तरीके से काम कर रही है, CPU भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें EMMC पे काम करना होता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वोल्टेजेस कहाँ बनती है। तो ये देखिए ये हमारा जो है ये प्रोसेसर है, एक मिनट मैं ये देखिए ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा जो EIC थी, और इसी के ऊपर जब थोड़ा सा हम इस स्टील को टेढ़ा करेंगे तो एक TP मिलेगा हमें। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक TP है, और अगर यहाँ पे इस TP पे 1.8 मिल जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा बक सर्किट LDO सर्किट सब सही है। तो देखिए मैं चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो यहाँ पे 1.8 नहीं मिलेंगे क्योंकि ऊपर 1.8 और 3.0 मिसिंग है,
तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये पीएस वोल्ट का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ पे 1.8 आ गए, तो समझ लो कि पावर आईसी और सीपीयू हमारा इनिशियलाइज हो रहा है ना। तो ये तो मुझे पता था कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे, बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए अभी मैंने जो आपको मेन कोर वोल्टेज बताई, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पहले बक बनेगी, 9 कॉइल की बक मैंने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको बताया कि भाई इसमें एक 1.8 VIU बनेगी, एक VIU 2.8 भी बनती है और USB 3.0 भी बनती है, तो ये कोई भी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो PS होल्ड बनेगा नहीं। तो अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं बन रही है, ना बनने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि भाई हमारा जो जैसे ये 1.8 वोल्ट की सब ट्रैक है, यानी जैसे यहाँ पे ये 1.8 है, यहाँ पे बनती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बिट मैप पे। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये इसका बिट मैप है। तो देखिए ये जो 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है जो यहाँ पे आ रही थी एक रजिस्टर पे, तो आप देख सकते हैं ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये वोल्टेज ना बनने का मतलब ये है कि ये पावर आईसी जनरेट करती है, LDO वोल्टेज है, या तो आपकी पावर आईसी खराब होगी या तो कहीं ना कहीं ये लाइन शॉर्ट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन पे GR चेक करेंगे। LDO का GR 250 से 350 के बीच में आता है, तो एक बार तो GR चेक कर लेंगे। अगर इसका GR ठीक है तो हो सकता है हमारी पावर आईसी फॉल्टी होगी, लेकिन इसके पहले हम पावर आईसी के आसपास जितने कैप्स हैं उन पे भी एक बार GR चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि जो VIU 1.8 की वोल्टेज बन रही है उसके पहले भी कई LDO वोल्टेजेस बनती है, जो ब्लूटूथ सीक्वेंस में दिया हुआ है, डिस्प्ले है। तो इसीलिए हम एक बार ना पावर आईसी के आसपास जितने भी कैपेसिटर है ना उसको देख लेंगे कोई शॉर्ट तो नहीं है, तो एक बार डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो ये आपके मैंने चार्जर निकाल दिया है और ये आपकी पावर आईसी है। इसके आसपास जितने भी कैप्स आप देख रहे हो ना, एक बार इन कैप का पूरा GR लेना होगा। कोई कैपेसिटर ऐसा नहीं होना चाहिए कोई LDO का जो शॉर्ट हो, इसके कारण 1.8 जनरेट ना हो रही हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मैं मल्टीमीटर को फिर से करता हूँ डायोड मोड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डायोड मोड पे करने के बाद अब मैं इसके GR को मेज़र करूँगा। तो देखते हैं आसपास के अब कौन कौन सा कहाँ पे LDO मुझे नहीं पता, बस एक बार GR चेक कर लो, कोई कैप है प्रिफरेंस बाईपास का, कोई कैप हो, ये सब शॉर्ट होता है, इससे भी VIU मिसिंग हो जाती है। तो एक बार हम आसपास देखिए, यहाँ पे 0.47 इसको शॉर्ट नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको शॉर्ट नहीं मानेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, आसपास के जितने भी कैप है एक बार आप मेज़र कर सकते हो, क्योंकि जब पावर आईसी की आप पूरी डिटेल पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे रेफरेंस बाईपास के कैप होते हैं और बूट पावर का भी कैप होता है, तो इन कैप के शॉर्ट होने से भी LDO वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो इसीलिए हमें एक बार GR चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो देखने से कोई नहीं लग रहा है कि कोई लाइन शॉर्ट है, देखिए देखने से तो आसपास पावर आईसी के पास आसपास की तो लाइन शॉर्ट नहीं दिख रही है। एक बार मैं वो जो रजिस्टर पे 1.8 आता था इसकी भी लाइन चेक कर लेता हूँ, ये भी तो शॉर्ट नहीं है जिस पे 1.8 नहीं बन रहा था। तो देखिए इसकी इस पर भी 300 के आसपास का GR है, मतलब जो 1.8 वाली जो लाइन है वो शॉर्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखने से लगता है कि जो हमारी पावर आईसी है, एक बार हमें इसको रिप्लेस करके देखना होगा, क्योंकि अगर 1.8 वोल्ट VIU 1.8 2.8 और USB 3.0 नहीं बन रहा है तो इस सिचुएशन में शॉर्ट सर्किट भी कहीं नहीं है और हमारा BPH प्रॉपर जनरेट हो रहा है, बक पूरी बन रही है, तो हमें एक बार इसमें पावर आईसी को रिप्लेस करना चाहिए।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पावर आईसी को रिप्लेस कर लिया है। अब मैं बोर्ड को बाहर निकालता हूँ और एक बार इसको हम पावर आईसी को रिप्लेस करने के बाद एक बार ज़रूर हम एक बार इसको पैनल में फिट करते हैं। और फिट करने के बाद तुरंत ऑन नहीं करना चाहिए, कभी भी जब हम पावर आईसी रिप्लेस करते हैं तो आसपास हल्की फुल्की शॉर्टिंग को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार किसी आईसी को रिप्लेस करने के बाद कई बार लीकेज या शॉर्ट सर्किट हो सकता है आईसी ख़राब हो इस टाइप से। तो एक बार हम मेज़र कर लें उसके बाद ही फिर हम जाएंगे कि क्या करना है। तो मैंने एक डायोड मोड पे किया है और एक बार मैं बक लाइन का जो जितना भी जीआर है उसको एक बार मेज़र कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार आईसी लगाने के बाद शॉर्ट सर्किट आ जाता है नई आईसी रिप्लेस करने के बाद। तो जीआर तो ठीक दिख रहे हैं अभी जीआर फिलहाल। जीआर सही है और जो हमारा 1.8 वाला जो था इसका ग्राउंड रेजिस्टेंस भी 319 है, ये भी सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये तो अभी शॉर्ट सर्किट है नहीं, पावर आईसी चेंज किया है, तो मैं अब क्या करूँगा कि सबसे पहले इस चार्जिंग के पत्ते को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि पूरा वोल्टेज का सीक्वेंस मैं एक बार चेक कराऊं कि अभी हमारा वो जो फॉल्ट है उसकी कंडीशंस क्या है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इस टाइप से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन लगाते हैं चार्जर, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पे चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ, बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं, डिस्प्ले पत्ता लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चार्जर लगा दीजिए। और चार्जर लगाने के बाद हम वोल्टेजेस को मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि पहली वोल्टेज हमारी बनती है VPH, तो जो VPH वोल्टेज है हम इस कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं, ये ग्राफिक वाली कॉइल पे कि स्टेबल VPH कितनी है। तो मैंने चेक किया यहाँ पे कॉइल पे VPH, देखिए 3.8 के आसपास है, तो VPH सप्लाई ठीक बन रही है। अब एक बार हम बक को भी एक बार मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जो बक वोल्टेज है उसको भी एक बार मेज़र कर सकते हैं कि प्रॉपर बन रही कि नहीं, क्योंकि हमने नई आईसी चेंज किया है। तो यहाँ पे देखते हैं 1.3 ठीक है, और यहाँ पे 1.0 भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो बक तो पहले भी बन रही थी और अभी भी बन रही है। ठीक है, ये तो बीपीए वाली बक है, तो ये तो बनेगी नहीं, तो सिम डालने के बाद यहाँ पे जनरेट होगी, तो पूरी बग बन रही। अब हम यहाँ चेक करते हैं, बग तो हमारी बन गई। अब यहाँ पे हम आते हैं और जो 1.8 हमारी जो मिसिंग थी, जो LCD कनेक्टर, CPU के बफर जोन और बहुत जगह जाती थी, इसको एक बार मेज़र करते हैं कि ये वाली वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रही कि नहीं हो रही। तो मैं देखता हूँ एक बार, ये देखिए ये 1.8 यहाँ पे जनरेट हो चुकी है पावर आईसी को रिप्लेस करने के बाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो वोल्टेज थी पावर आईसी के फॉल्टी होने से ये वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही थी। ये वोल्टेज ना बनने के दो रीज़न होते हैं, या तो ये लाइन शॉर्ट हो, कई बार वाटर डैमेज फोन में कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं जिससे कि ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, या फिर पावर आईसी ख़राब हो, या फिर इसके ऊपर के कुछ LDO सर्किट्स होते हैं उनके भी ख़राब होने से 1.8 जनरेट नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे भी एक 2.8 का कैप लगा है, यहाँ ये वाला शायद ये है या ये है, यहाँ पे देखिए 2.8 VIU 2.8 भी जनरेट हो रही है। और आपको अगर याद हो तो एक हमने USB 3.0 का यहाँ पे कैप मैंने दिखाया था, ये भी बूट सीक्वेंस का पार्ट है, यहाँ पे भी 3.0 जनरेट होनी चाहिए, इसी से आपका जो क्वालकम पोर्ट जनरेट होता है ना इसी वोल्टेज से होता है। तो देखो 3.0 USB भी बन गई। तो आपने देखा इससे पहले जब हमने चेक किया था तो ना USB की वोल्टेज बन रही थी और ना 1.8 और ना 2.8। और फाइनली अगर ये फ़ोन ठीक हो चुका होगा तो यहाँ पे जो आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये PS होल्ड का पॉइंट होता है MediaTek में, इसको हम बोलते हैं रीसेट बी। तो अगर हमारा पावर आईसी प्रॉपर अगर वर्क करती है और हमारा जो CPU रिस्पॉन्ड अगर करता है
तो इस PSL होल्ड वाले पिन पे 1.8 बनने जाने चाहिए, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं PS होल्ड भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो अभी मैंने फ़ोन ऑन नहीं किया है, लेकिन मैं इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि ये फ़ोन सही हो चुका है और इसका पोर्ट बन जाएगा। ऑन होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन PS होल्ड बनने का मतलब है कि इसका पोर्ट जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। और अगर अब भी अगर ऑन नहीं होता है तो EMMC से रिलेटेड फॉल्ट हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं इसको ऑन करके। तो बोर्ड को पैनल में फिट कर देता हूँ, और थोड़ा सा ये मैंने ये उठा दिया था, तो इसको थोड़ा सा आपको दबाना पड़ेगा, नहीं तो पैनल में फिट नहीं होगा। तो अब मैं इसको फिट करता हूँ और LCD कनेक्टर को एक बार इंस्टॉल करके और सेट को ऑन करके देखते हैं। तो पहले अगर आपको याद हो तो मैं DC से ही ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि या फिर हम बैटरी से भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि DC से कुछ एम्पियर लेके बैक हो रहा था। अगर आपको याद हो तो कुछ एम्पियर लेके बैक हो रहा था, तो मैं अभी PS होल्ड बन गया है तो मैं बैटरी से ही इसको ऑन कर रहा हूँ, DC से ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि PS होल्ड बनने का मतलब है कि सेट ऑन हो जाना चाहिए, थ्योरी हमारी यही कहती है। तो अपन चार्जिंग लगाते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेट ऑन हो चुका है और ये चार्जिंग 14% भी है, और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ फोन को कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो आपने देखा कि जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं कई बार स्टूडेंट्स के, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पावर IC को हमें रिप्लेस करना है या नहीं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें CPU को रिबॉल करना है या नहीं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि EMMC पे काम करना है कि नहीं। तो आज के इस सेशन में आप समझ गए होंगे कि एक मीडियाटेक टेक प्लेटफॉर्म की 6358VW अगर IC किसी में लगी है, तो उसके अंदर अगर BPH जनरेट हो रही है तो किस तरीके से हम बक वोल्टेजेस को चेक करेंगे, किस तरीके से हम LDO वोल्टेजेस को चेक करेंगे, और देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है आप देख सकते हैं, किस तरीके से बक वोल्टेज को चेक करेंगे, किस तरीके से LDO वोल्टेजेस को चेक करेंगे, और किस तरीके से हम उसमें पता करेंगे कि हमारा रीसेट पी पे 1.8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो अगर हमारे पास बूट सीक्वेंस होता है तो हम एक एक वोल्टेजेस को मेज़र करके भी बहुत अच्छे तरीके से हम फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से अगर MediaTek हुआ, Qualcomm हुआ, Exynos हुआ, इसका बूट सीक्वेंस को समझना है डेप्थ में, इसके बक सर्किट को समझना है, इसके LDO सर्किट को समझना है, इसकी क्लॉक्स को समझना है, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी डेप्थ में आप इन सब चीज़ों की स्टडी कर सकते हो। तो हमारा जो नया बैच है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपनी सीट बुक करा के हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।